तो ही गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक गेमिंग ईयरफोन की, जो कि आप अंडर 300 ले सकते हो, 300 के अंदर ले सकते हो इसे। जो इसका प्राइस है वो 299 रुपीज है, तो आप इसे 300 के अंदर ले सकते हो। इस गेमिंग ईयरफोन की हम क्वालिटी चेक करने वाले हैं, कैसी गेमिंग करा के देता है, कैसी ऑडियो है, क्या सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फटाफट पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। और मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था 299 में, और इसका जो नाम है ये देख सकते हो, पीट्रोन का अल्टीमा है, बूम अल्टीमा डुबल ड्राइव वायर्ड ईयरफोन, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो आपको इनलाइन माइक का कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे 1.2 mm इसका जो लेंथ है ना ईयरफोन का वो मिल जाता है, 1.2 मीटर का यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाता है इसका, ठीक है, ईयरफोन का। और यहाँ पे इसके आप देख सकते हो डिटेल्स। और इसमें भाई आपको 8 mm के 4 ड्राइवर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये डुबल ड्राइवर ईयरफोन है, तो इसमें आपको 4 ड्राइवर मिलते हैं 8 mm के, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस कुछ मेंशन है, और यहाँ पे आपको इसे 5 कलर के अंदर ये आता है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो बूम अल्टीमा है। तो अभी फटाफट इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा होने वाला है ईयरफोन, और इसे रिव्यू भी करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट खोल लेता हूँ। ओके, खुल जा सिम। ओके भाई, क्या बात है ये, मुझे तो लगा काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पैकेजिंग से मतलब नहीं है। तो प्लास्टिक में दे दिया, पैकेजिंग से मतलब नहीं है, हमें ईयरफोन से मतलब है, और उसकी क्वालिटी से मतलब है। ईयरफोन की कैसी क्वालिटी होने वाली है हमें वो चेकआउट करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने ईयरफोन निकाल लिया, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बर्ड भी आपको मिल जाते हैं जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। और ये ईयरफोन देखो अभी, ठीक है, और इसमें डबल ड्राइवर मिलते हैं, तो ये देख सकते हो इसमें 8 mm के डबल ड्राइवर आपको मिल जाते हैं इस ईयरफोन के अंदर, ये देखो, ठीक है। और ये काफ़ी छोटा है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो इनलाइन कंट्रोल भी मिलता है यहाँ पे आपको इसके अंदर, यहाँ पे इनलाइन माइक कंट्रोल आपको मिल जाता है, ये देख सकते हो। और इसकी जो क्वालिटी है भाई, 300 के हिसाब से इसकी क्वालिटी तो ठीक ठाक है, ठीक है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी ठीक ठाक होने वाली है, और ठीक है, इसकी क्वालिटी ठीक ठाक होने वाली है बिल्कुल। और भाई गेमिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। अगर आपका बजट कम है, 300 के अंदर लेना चाहते हो, तो ईयरफोन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैं पबजी गेमिंग करता हूँ, पबजी और कुछ गेमिंग करता हूँ, फिर पूरी डिटेल रिव्यू पे बात करेंगे, ठीक है। मैंने इस ईयरफोन को लगा के काफ़ी देर भी GMI खेला, कम से कम 3 से 4 घंटे भी GMI खेलने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। 300 के बजट में आपको काफ़ी अच्छे साउंड मिल जाता है गेमिंग के लिए भी। अगर आप चाहते हो मूवीज़ के लिए, मूवी देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए या कॉलिंग के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। 300 के बजट में बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। और हाँ, आप लोग अगर गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इसमें डबल ड्राइवर मिलते हैं, पूरे ईयरफोन में 4 ड्राइवर मिलते हैं, 8-8 mm के 4 ड्राइवर मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। फुटस्टेप्स भी काफ़ी क्लियर आती है, और ये ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है 300 के हिसाब से देखोगे। और इसकी जो वायर की लेंथ है 1.2 मीटर की वायर की लेंथ है, काफ़ी अच्छी बड़ी है। और भाई इसमें इनलाइन माइक कंट्रोल मिलता है, तो काफ़ी अच्छा ईयरफोन है, आप बिल्कुल इसे ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे ले सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है, शायद बढ़ भी सकता है। मैंने इसे 299 रुपये में लिया था, 300 में मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था। आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो उस माइक को। अगर आप लोगों का बजट 200-300 से ज़्यादा है, तो आप दूसरे गेमिंग ईयरफोन ले सकते हो, जैसे कि स्पिन बोर्ड का W20 ले सकते हो, स्पिन बोर्ड का C10 गेमिंग ईयरफोन ले सकते हो, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे ईयरफोन मिल जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे 400-500, तो उनमें आपको अच्छे ईयरफोन मिल जाएंगे। अगर आपका बजट कम है और आपको इतने में ही काफ़ी अच्छा ईयरफोन चाहिए, तो आप ये वाला ईयरफोन ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप इस पर म्यूजिक सुन सकते हो, कॉलिंग के लिए, गेमिंग के लिए, सब कुछ के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इस ईयरफोन को ले सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है इसकी क्वालिटी अच्छी है, वायर की क्वालिटी अच्छी है, वायर की लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 1.2 मीटर की वायर की लेंथ मिल जाती है। इनलाइन कंट्रोल भी मिलता है इस ईयरफोन में, और 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, और भाई इसमें 4 ड्राइवर मिल जाता है आपको 8-8 mm को, तो काफ़ी अच्छा। आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।